तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ पीजी इवन यूजी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ स्किल काफ़ी अच्छा है। टीजीटी पीजीटी की पोस्ट आपकी रिलीज करी है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। उसके अलावा आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है सैनी स्कूल से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। तो बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपके रिक्रूटमेंट रिलीज करेगी। ऊपर ही आपको अपनी रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस इंटरफेस पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं देखने को मिलेगा अपना। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपनी वैकेंसी रिलीज करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ सिल्ड स्किल काफ़ी अच्छा है। लाइक मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, पर मंथ का कंसोलिडेटेड पे रहेगी 61,962 रुपीज़। फिक्स आई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी पोस्ट है। एंड आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी है। बैंक ड्राफ्ट लगाना है आपको 500 रुपीज़ का। पोस्टल एड्रेस वगैरह के इस नाम पे बैंक ड्राफ्ट लगेगा। सारी डिटेल मेंशन कर रखी है। कोई यूनिवर्सिटी आपको जॉनर्स प्रोवाइड नहीं करेगी फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ये डिटेल भी आपको दे रखी है। रिक्रूटमेंट रिलीज करेगी 5 अप्रैल को। एप्लीकेशन फॉर्म इसी के अंदर दे रखा है आपको। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है आपको। टीजीटी की पोस्ट रिलीज करेगी, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और उनके पोस्टल एड्रेस पर सेंड कर देना है, ठीक है। उसके साथ से कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी अटैच करनी है, वो डिटेल भी मेंशन कर रखी है। अच्छे से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट्स कभी क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स कम अटैच करते हैं, उसकी वजह से उनका फॉर्म क्या है निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कौन सी वैकेंसी रिलीज करी है। तो टीजीटी की वैकेंसी है साइंस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में। साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, मैथमेटिक्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है, ठीक है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 ईयर्स तक रहेगी। ये आपकी और उसके लिए रहेगी जनरल के लिए रिलैक्सेशन मिल जाती है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, प्लस आपका बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपका सीटेट भी क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफिशिएंसी है कुछ को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड सो ऑन। ये मोस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट्स को होती होगी। एंड नेक्स्ट आता है टीजीटी इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे ये वैकेंसी रिलीज हुई है। यहाँ पे आप एमसीए, एमएससी, बीटेक के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, बीएससी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, बीसीए के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टेटिस्टिक्स एंड आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपको थोड़े बहुत लेवल दे रखे हैं, मतलब अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस पर अप्लाई करें तो आपको बीएड ऐसे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था पीजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, तो वो डिटेल आपको दे रखी थी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। अगर आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं तो आपको इसको गो थ्रू करना चाहिए, गो थ्रू करके अप्लाई करने का भी ट्राई करना चाहिए। अगर इसी टाइप की एडवर्टीजमेंट आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना मत भूलिएगा, और किसी पर्टिकुलर टाइप की वैकेंसी चाहते हो तो उसके बारे में बताना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।